तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की मूवी के ऊपर जिसके लिए वेट करते हैं लोग सालों साल, क्योंकि साल में एक बार ही आते हैं और जब आते हैं तो थिएटर हो जाते हैं बिल्कुल फुल। बट इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। बट मैंने देखी मूवी और एक्टर जिसकी बात कर रहा हूँ यू नो थलापति विजय, यस आई एम टॉकिंग अबाउट हिम। सो हाँ, मूवी उनकी जो आई है नई गोट, तो मूवी का टाइटल ये है असलियत में कि विजय थलापति इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये शुरुआत में लिखा आता है, तो ऐसा बिल्कुल सही से बोल रहा हूँ चीजों को। तो मूवी स्टार्ट होती है, हमें बताया जाता है कि जो हमारा लीड है मतलब विजय सर है, उसका नाम गांधी है और वो सेट में काम करता है। तो मूवी की फर्स्ट सीन में मैं कमियां गिनाऊंगा क्योंकि मुझे लगी पर्सनली, पहले ही सीन में हमें दिखाया जाता है गांधी का कैरेक्टर वो किसी के और रूप में आया होता है, उनकी शक्ल को मेरे हिसाब से VFX करना एक अच्छा आइडिया नहीं था, ताकि जो असली बना ना वो रियलिज्म आए, क्योंकि VFX तो बहुत नकली लग रहा था, वो भी नकली लगता बट एक थोड़ा कैरिकेचर से अच्छा हो जाता, मतलब बिल्कुल पता है तुम्हें मास्क पहन के इसलिए तुम टोक सकते हो, ऐसा नहीं कि मास्क पहन के नहीं आया बट तुम्हें लग रहा है कि मास्क पहन लेता तो ज़्यादा अच्छा है। और मूवी पूरे हिसाब से सेलिब्रेट करने आई थी अपने थलापति विजय को और वो करती भी है, बट जो एग्जीक्यूशन है इंट्रो वाले पार्ट में वो इतना अच्छे से लैंड नहीं करता, जिसकी वजह से जो इंट्रो पार्ट है जो कि एक हीरो को हीरो बनाता है, जो कि तुम्हें लियो में मजा मिला था वो सेम नहीं मिल पाता है, बट उसके आसपास रहना चाहता है इंट्रो और चाहता है कि अपने एक्टर को बिल्कुल यहाँ लाए, बट यहाँ नहीं तो यहाँ तो आता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया जैसे मेरे को वो VFX वाला पार्ट पर्सनली अच्छा नहीं लगा और सब चीज़ें मस्त, बट एक्शन जो शुरुआती सीन में है वो एक्शन थोड़ा चौकी लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं, बट धीरे धीरे आते हुए मूवी तुम्हें लगेगा कि हाँ आगे नॉर्मल स्पीड में समझ आ रहा है कहाँ से किसको आ रहा है। बट सोचो तुम्हारे पास इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, तुम्हारे पास प्रभु देवा और विजय एक साथ थे, दोनों का फुटवर्क देखो ना भाई क्या ही, पता ही नहीं चलता कहाँ पैर नाच रहे हैं कहाँ इंसान है भाई, वो वाली चीज़ें उनमें ठीक है, और उसमें भी ऐसा कुछ बहुत ऊपर वाली चीज नहीं दिखाई मेरे को, इसलिए थोड़ा खराब फील हुआ कि भाई तुम्हारे पास जो हीरे थे तुम उनका लॉकेट बना सकते थे, चेन बना सकते थे, बस तुमने सोचा क्या कि इन दो हीरो को ऐसी पन्नी में लेके घूमता हूँ। और सोचो जब प्रभु देवा और विजय आए थे अपने राउडी राठौड़ में, उसमें ज़्यादा अच्छा काम था, सोचो उसमें सिर्फ 2 सेकंड या 2 मिनट का कैमियो था, उसमें भी मजा आ गया था, इसमें सोचो पूरा गाना ही भाई पे है, बट है ही नहीं मजा होता है। और मूवी समझ आएगी शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा अच्छी सी, क्योंकि 3 घंटे लेंथ है मूवी की, तो मैं अपने आप समझ आएगा कि भाई इस शुरुआत के पार्ट को और पीछे खींच सकते थे, हम 35 मिनट की जो चीज़ है उसको हम 15 मिनट में ख़त्म कर सकते थे, बट स्टैब्लिश करने के चक्कर में वो बहुत लंबी खिंच जाती है और वो खिंचती चली जाती है। और मुझे ये बताओ कि कौन सा जेम्स बॉन्ड है जो अपनी फैमिली को मिशन पे ले जाता है, जेम्स बॉन्ड तो साइड में रखता है फैमिली की, ये भी फैमिली अपना मजे हर चीज़ में, लड़की पानी खाना और मारना सब करूँगा, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें गांधी कहता है कि मैं सब एक साथ संभाल लूँगा ठीक है, इसलिए चीज़ें खराब होती हैं वो तो मूवी में पता चल जाए। और जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो अगला मिशन जाता है थाईलैंड में करने, और वहीं मिशन के बीच में जब एकदम से थीम सॉन्ग बनता है ना जेम्स बॉन्ड का विद इंडियन टच, भाई वो बढ़िया था, वो मजा आ रहा था। टीन 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 मूवी के दो जो बहुत अच्छे सीन मेरे को लगे हैं पर्सनली वो चेजिंग सीन से दो में, हाँ जब भी चेजिंग सीन चल रहे होते हैं वो बहुत ही मजा बांध देते हैं मूवी के अंदर तुम्हें ऐसे के ये है अब चलनी है मूवी, तो और सब तो बस ऐसे ही उसके आसपास लेके घूम रहे हैं, तो जैसे ये मिशन चल रहा होता है तुम्हें पता ही है कि कॉम्प्लिकेशंस तो आने वाली हैं, तो वैसे ही होता है गांधी अपने बच्चे को खो देता है, कौन से एक ही बच्चा था जीवन, अब जीवन का क्या हुआ, क्या जीवन के जीवन चले गए या हैं पता नहीं, वो मूवी में ही पता चलेगा, तुम देखना तो मजा आएगा। और मूवी में सिम्बॉलिकली दिखाया गया कि एक नया जीवन उसके हाथ में आया गांधी के, मतलब उसकी बेटी जो अभी अभी पैदा हुई है, और एक जीवन के लिए वो रो रहा है अपने पुराने जीवन के लिए, ये थोड़ा वैसा वाला चीज़ है कि तुम्हें अपने पुराने जीवन की चीज़ें क्यों नहीं पता होती, क्योंकि अगर वो तुम्हें पता होंगी तो तुम अपने पुराने जीवन के लिए ही रोते रहोगे और अपने नए जीवन जिसमें तुम हो उसको भूल जाओगे, दिमाग तो आ गया मेरे को कम यूज़ करना पड़ेगा। और जब मूवी चल रही थी तो तुम्हें जैसे कि ट्रेलर से समझ आ रहा होगा डबल रोल बेटा बाप हैं सेम जैसे जीवन का, मैंने तुम्हें बताया हाँ, तो जीवन बड़ा हो जाता है वापस से मिलता है, रीयूनियन होता है गांधी के साथ, कैसे होता है क्या होता है वो मूवी में देख के तुम्हें अच्छा लगेगा, हाँ वहाँ भी चेंजिंग सीक्वेंस है। और जब ये सब मैं देख रहा था तो मेरे को एकदम से रिमेंबर हुई बिग बी की एक मूवी, मेरे को ऑब्वियसली नाम याद नहीं अभी, बट जिसमें बाप करप्टेड होता है और बेटा एक पुलिस वाला होता है जो अपने बाप को रोक रहा होता है, क्योंकि वो सिस्टम से हारा होता है उसका बाप, ठीक है, तो वो मूवी का पूरा प्लॉट है, मैंने देखी हुई है मूवी बट नाम याद नहीं, सॉरी।
और चेजिंग सीन्स को अगर हटा दें तो फिर क्या जान बचती है? जान बचती है पूरी पूरी विजय भाई के अंदर। विजय सर जो करते हैं वो लिटरली परफॉर्मर है इंसान, तो रिएक्शंस आर वेरी गुड, एक्टिंग इज वेरी गुड, मजा आ जाता है। और फिर VFX जैसे मैं बात कर रहा था, एक जगह और VFX बहुत ज़्यादा हक देता है जो कि है संजय या कह सकते हैं छोटे जीवन को बनाने में, नॉट बिल्कुल छोटे वाले, जो मिडल एज या टीन एज दिखाना चाहा हो उसका वो अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे पता है कहाँ छोटा है, जो अपने विजय थलोपति हैं उनकी फोटोज़ को उठा के DH करा गया है, बट नहीं अच्छा लग रहा, तो नहीं लग रहा था। और मूवी देखते देखते मेरे को सबसे ज़्यादा दुख पता है क्या हो रहा था कि मेरे को ये बताओ ये गाने किसने डाले? कभी भी आ जाते हैं भाई, स्टोरी चल रही है मस्त, अब मैं चाह रहा हूँ कि हाँ स्टोरी चलती रहे, मैं देखता रहूँ, एकदम से गाना आ गया, रोमांस सॉन्ग बता के डाल देंगे, अब चल अब तो गाना गाने का टाइम है ना, चलो गाना गाते हैं, और वो डाल दिए, क्यों नहीं देखना मुझे रोमांस तुम्हारा। और एक ट्विस्ट आता है जो कि अगर तुम थोड़ी बहुत मूवी ध्यान से देख रहे हो तो तुम्हें समझ आने लग जाएगा कि इतना सारा उसको पता कैसे चल रहा है। हाँ तो वो पता कैसे चलता है वो तुम्हें मूवी में पता चल जाएगा, मैंने एक एक्टर का नाम लिया था साथ में, अगर तुम्हें समझ आया तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो ये गद्दा त्रिशा आती हैं विजय के साथ, मतलब उन दोनों की केमिस्ट्री तुम्हें पता ही है, जब भी ऑन स्क्रीन आते हैं वो तो मचा के जाते हैं, वही होता है वापस से लियो में भी आए थे अभी लास्ट, अभी उसके बाद अब आए हैं वापस से, और जब भी आते हैं मजा आ जाता है। और कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं, सुना सुनाया वही पुरानी चीज़ें ही हैं, मतलब ऐसा तुम्हें बहुत नया नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा तुमने कहीं सुन रखा है, तो अगर तुम इसको स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इट्स अ जेनरिक मूवी टू बी ऑनेस्ट, अगर विजय सर ना होते इसमें तो, क्योंकि वही है ना कुछ कुछ एक्टर्स का और ही मूवीज को बहुत बड़ा बना देता है, अब तुम मानो या ना मानो फेस वैल्यूज हैं कुछ एक्टर्स की जिसकी वजह से मूवी चल जाती है। आपकी बारी, आपका समय कहाँ गया, कब आएगा वो समय वापस? और लास्ट ट्विस्ट जो है वो वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं क्या होने वाला है, 30 मिनट लास्ट के मूवी के पता होते हैं तुम्हें कि क्या होगा, ये होगा वो होगा, फिर लास्ट में एंड वही होगा, जय जय हिंद जय भारत, खत्म मूवी, चलो। और मूवी में बहुत बार एक चीज़ जरूर तुम बोलोगे, थला फॉर अ रीज़न, क्योंकि है थला फॉर अ रीज़न, नहीं मूवी में थला नहीं, थला फॉर अ रीज़न आएगा मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो मिसकम्युनिकेशन ना हो इसलिए मैंने कन्फर्म कर दिया तुम्हें। और एक और कैमियो है जो कि तुमने अगर मेरे कुछ रिव्यूज पास के देख रखे हैं साउथ से रिलेटेड मूवीज के, तो हाँ उनमें से एक एक्टर का है कैमियो, तो तुम्हें अगर तुम्हें पता है किस मूवी की बात कर रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख देना, ठीक है। और एक लूप होल मैंने पकड़ा, देखो चेजिंग सीक्वेंस चल रहा है स्टेडियम के नीचे वाले फ्लोर पे, ठीक है, बाइक से चेजिंग सीक्वेंस चल रहा, और एकदम से गांधी अपनी बाइक लेके टॉप पे आ गया था बिल्कुल रूफ पे, कैसे? पहले मेरे को ये बताओ सीढ़ियों पे बाइक चढ़ाई कैसे? अब मैं बात करना चाहूँगा कि क्यों सारी मूवीज को ये चाहिए कि उनको अपनी फ्रेंचाइजी आगे बनानी है, इंडियन सिनेमा में आजकल ऐसा हो गया कि हर मूवी को अपनी फ्रेंचाइजी निकालनी है, 1, 2, 3, 4 एक्टर ही तुम्हारा काम नहीं करेगा अभी कुछ दिनों बाद, उन्होंने कह दिया कि मैं अपने अपने पॉलिटिक्स में हाथ जमाऊंगा और तुम मूवी को आगे बढ़ाने में लगे हो, भाई किसके मुंह पे चलाओगे? बंदा जा रहा है जिसका VFX तुमने कर रखा है वो बंदा ही जा रहा है, हाँ वो जब पार्टी में अपने नारे लगा रहा हो तब तुम मूवी बनाने की सोचे लोगे, क्यों? इन्होंने एंड सीन में जीवन का मल्टीवर्स निकाल दिया, क्यों भाई? नीचे है मैं मल्टीवर्स भाई, क्लोन टेक्निक होती है ना भाई, वो करेंगे भाई, थोड़ा बिल्कुल ना नया लगेगा, नहीं करना हमें, ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट क्यों? आई वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू क्यों? अभी सोचो वो बेचारा एक्टर रिटायरमेंट बोल चुका है कि अगली मूवी उसके बाद बाय बाय टाटा सिनेमा, मैं तुम्हें दूर से ही याद रखूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ लोगों का भला करने, तो क्यों करा आपने ये डायरेक्टर सर? मुझे समझ नहीं आया, अगर आपको समझ है, मतलब आपको तो समझ होगी तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, अगर हूँ आप ही ना तो। और एंड ऑफ द एरा लिखने का समय आ गया कुछ पोस्ट के नीचे, क्योंकि हमारे जो थलापति सर हैं उनकी कुछ ही मूवीज बची हैं जिसके बाद वो सिनेमा में एक्टिंग करना धीरे धीरे कम कर देंगे, पूरी तरीके से छोड़े ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक वो होता है ना रिलेटेबल एक्टर, तुम्हें फील होता है कि हाँ भाई अगर ये तो बिल्कुल मैं भी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनको कम आ कर रहा हूँ, बट एक उम्मीद मिलती है तुम्हें इंसान को, बट एक उम्मीद मिलती है कि हाँ यार ब्यूटी 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 जो लोग करते रहते हैं ज़रूरी नहीं है, एक्टिंग के दम पे भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, तो हाँ वो जो इंस्पिरेशन है वो थलापति सर से मिली है, हाँ मुझे तो पर्सनली अब एक्टिंग कम मिलेगी वो मैं कर लूँगा, उसकी चिंता मत करो। तो आज का मूवी रिव्यू बोर्ड मूवी का यहीं समाप्त करते हैं, कैसा लगा तुम्हें रिव्यू तुम बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, और मैं आऊँगा एक और नई कहानी के रिव्यू के साथ जल्दी, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, और हाँ थला फॉर अ रीज़न सब्सक्राइब करा दो तगड़े तरीके से, 100, ठीक है, 1000 कराओ, चलो हो गया, बाय बाय।